दोस्तों शिवरात्रि विशेष फलदायी होती है। इस व्रत को शिव के लोग जरूर करते हैं। न केवल भगवान शिव इस व्रत से खुश होते हैं, बल्कि भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इस व्रत के दिन यदि आप दीप दान करते हैं, यानी महाशिवरात्रि के दिन आप कहीं पर दीपक जलाते हैं, तो आप तीन तरह के पापों से मुक्ति पाते हैं। इस महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए भी ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि इस दौरान भगवान शिव धरती पर आकर मनुष्य की रक्षा करते हैं। इस दौरान भगवान शिव मनुष्य के बहुत ही नजदीक होते हैं। यदि इस दिन आप व्रत और पूजा करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही दोस्तों आप एक काम और कर सकते हैं, इस दिन आप दीप दान कर सकते हैं। शिवरात्रि पर मनुष्य पूजा पाठ और व्रत करता ही है, शिवलिंग पर विशेष चीजें चढ़ाकर भगवान से आशीर्वाद भी प्राप्त करता है। लेकिन दोस्तों यदि आप इस दिन दीप दान करेंगे तो समस्त संसारिक सुखों की आपको प्राप्ति होगी। मैं आपको बताती हूँ दीप दान का मतलब क्या होता है। दोस्तों दीप दान का मतलब होता है कि किसी योग्य स्थान पर जो साफ और सुथरी हो वहाँ जाकर श्रद्धा से दीपक जलाना। ये जगह आप नदी का किनारा, पीपल का पेड़ या किसी मंदिर के आगे भी जला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, दीपक जलाते समय आपको पूरी श्रद्धा रखनी है। ये दीपक आप कैसे जला सकते हैं दोस्तों? मिट्टी के दिए में तेल डाले, उसे मंदिर में ले जाके प्रज्वलित करें। यदि आप मिट्टी का दिया नहीं ले सकते तो आप घर का बना एक आटे का दिया भी ले सकते हैं। इसे बहुत ही श्रद्धा से भगवान के आगे जलाएं और अपनी मनोकामना भगवान के आगे कहें। दोस्तों आप ये भी कर सकते हैं कि पतली सी रुई की बत्ती बनाएं और घर के आटे के दिए में जलाकर इसे पीपल के पेड़ पर रख दें। ऐसा करने से भी आपको पुण्य प्राप्त होगा। यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो आप जलते हुए दीपक को नदी में प्रवाहित करें। इस बात का खास ध्यान रखें कि देव मंदिर में दीपक सीधा भूमि पर नहीं रखा जाना चाहिए। दीपक के नीचे थोड़े से चावल या धान रखें। कहा जाता है ऐसा करने से भूमि को आघात नहीं पहुंचता और आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। तो इस महाशिवरात्रि पर आप भी दीप दान जरूर करें और अपनी इच्छाओं को भगवान शिव के आगे कहें। आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी।